अभी से पहले ऐसा टेक्नोलॉजी 99% लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% लोगों ने, 99% से ज्यादा लोगों ने ऐसा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया होगा। कैसे ये एआई जो है आपके चीजों को बहुत बड़ा चेंज करने वाला, डिजास्टर, आपके एजुकेशन में बूम लाने वाला है, ये आप आज देखिए, अभी दिखाएंगे। मैडम बैठिए, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन बताइए जो इसमें करना है, कोई भी रैंडम। माइक्रो कंट्रोलर, इन्होंने बोला माइक्रो कंट्रोलर, लेवल इजी, मीडियम, हार्ड, मैंने इजी अभी ले लिया और ये जनरेट कर दिया। अभी आप घड़ी देखिए, टाइम देखिए कि ये 10 क्वेश्चन जनरेट होने में कितना टाइम लग रहा है। आपने देखा बहुत ही कम समय में ये आपको जनरेट करके दे दिया। क्विज पे आ गए, हमारे यहाँ पे एआई जो है, इस एआई में गए, डॉक्यूमेंट पे गए और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो 1 था यहाँ पे हमने 10 कर दिया, और भी मैं कर देता हूँ, ये जो है 35 क्वेश्चंस मैंने कर दिया। ठीक है, इजी लेवल से। अब माई डॉक्यूमेंट पे गया, मैं इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया, ये डॉक्यूमेंट मैं एक्चुअली अभी आपको दिखाऊंगा भी, वो भी कि कैसा है वो पीडीएफ। अब ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हमारे जनरेट हो रहे हैं और कितना टाइम कम लगता है, ये तुरंत के तुरंत आपको जनरेट हो जाएगा। और सारे क्वेश्चंस को मैं क्लिक करके दिखाऊंगा, वहां पे वो प्रोसेसिंग हो रही है, ये सारा क्वेश्चंस मेरा बन गया, 35 क्वेश्चंस, कितना टाइम लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान स्वागत करता हूँ यूरेकाडिक चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशन लाने वाला है, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। आप हमारी बातों पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो देखने से आपके एजुकेशन के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, ये रेवोल्यूशनरी वीडियो नहीं है, आप हमारे चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। और अगर लगा कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, ये वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी है, ये वैल्यूएबल चीज है, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा करे। आप जैसा नॉर्मली देख रहे होंगे कि ये डिजिटल बोर्ड है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, जो बहुत दिनों से यूज हो रहा है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, जैसा कि मैंने बोला है, अभी से पहले ऐसा कंटेंट, अभी से पहले ऐसा टेक्नोलॉजी 99% लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% लोगों ने, 99% से ज्यादा लोगों ने ऐसा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया होगा। ये रेवोल्यूशन लाने वाला है, आप देख करके आपके कमेंट का, आपके व्यूज का मुझे वेट रहेगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए अब हम लोग इस पे आते हैं। हम लोग जो आज ये लेकर के आए हैं, ये एआई है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई साथी, ये जो हमारा एआई है, विद दिस बोर्ड, इस बोर्ड के साथ ये यूरेका टेक्नोलॉजी का जो पैनल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो पैनल है हमारा, लेटेस्ट एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14 में 8GB 128GB रैम रोम के साथ जो आ रहा है, उसके साथ जो अभी हमारा एआई इंटीग्रेटेड है, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है और कुछ हार्डवेयर इंटीग्रेटेड है, कमाल का है। अभी से पहले गारंटेड है 99% लोगों को, आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं कि किन्होंने ये यूज किया है, बहुत कम लोगों ने, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, इंजीनियरिंग का कोचिंग हो, मेडिकल का कोचिंग हो, जनरल कंपटीशन का कोचिंग हो, सीए का कोचिंग हो, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब एजुकेशन प्रोफेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में कोई भी हो, आप ऐसा अगर यूज कर लेते हैं तो बहुत ही कमाल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, ये डिजिटल बोर्ड बहुत टाइम पहले आया, जिन्होंने स्टार्टिंग में लिया, इसका बहुत अच्छा एडवांटेज लिया, आज सब लोग लगाना चाह रहे हैं, सब लोग लेना चाह रहे हैं, ये पूरे क्लासरूम के ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड को, नॉर्मल बोर्ड को चेंज कर रहा है, चेंज होने वाला है। बट आज जो लगा रहा है उतना एडवांटेज नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मूवर, जो फर्स्ट मूवर होता है, फास्ट मूवर होता है, उसको एडवांटेज मिलता है। तो वैसी ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो एआई है, हाउ इट विल हेल्पफुल, ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, कैसे ये एआई जो है आपके चीजों को बहुत बड़ा चेंज करने वाला, डिजास्टर, आपके एजुकेशन में बूम लाने वाला है, ये आप आज देखिए, अभी दिखाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दे देते हैं, प्रेजेंटेशन देने के बाद उस एआई का एक्सपीरियंस करेंगे,
जो हमारे यूरेका टेक्नोलॉजी के बोर्ड में है, यूरेका टेक के बोर्ड में है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार ऐसा होगा। जो हमारा इसमें एआई है, वो एआई कैसे काम करता है, एआई क्या आपके लिए वैसा है जैसा कि अभी तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, या उससे भी अच्छा है या डल है? अगर थोड़ा भी हमारे बातों से डल लगता है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि आप जो है, आपका जो इच्छा चाहे आप अनसब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि नहीं ऐसे बेकार की बातें, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आप देखेंगे, आपको इतना मजा आएगा ये टेक्नोलॉजी में, आपको इतनी एक्साइटमेंट बढ़ेगी कि लगेगा कि ये आज के आज लगा लूं। और बिल्कुल आपके साथ है, आपको लगाएंगे, आपको इस पे लाएंगे और पूरी दुनिया आने वाली है इस पे। जैसा कि अभी ये आप देख रहे हैं, कनेक्टिंग स्टूडेंट एंड टीचर टू सक्सेस टुगेदर। जब भी बात हो रही है एजुकेशन की, तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो स्टूडेंट और टीचर होता है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है। तो ये जो हमारा है सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा एआई है, ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड के साथ जो इंटीग्रेटेड एआई है जो आ रहा है यूरेका में, इसमें स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट करता है। सबसे पहले कुछ जैसे एआई हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो इस बोर्ड में है, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये हमारे पास कुछ हार्डवेयर्स है जिसको कि हम लोग क्लिकर बोलते हैं। और ये कैसे काम करता है, सबसे पहले एक स्कूल से स्टार्ट करते हैं, फिर कोचिंग का एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम लोग रियल टाइम इसमें यूज करके देखेंगे कि कैसे एआई काम कर रहा है और क्या ये कमाल का एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाएगा, 100% लाएगा। अगर स्कूल के क्लासरूम की बात किया जाए, कोई टीचर है, कोई क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद क्या 100% स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं? नेवर, कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हर तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, चीजें तो आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसका आंसर क्या होगा, उसका ऑप्शन क्या होगा, बट वो नहीं बोलते इंट्रोवर्ट के कारण। कुछ साई होते हैं, कुछ के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कुछ मैं बोला लोग हंसने लगेंगे, ऐसे कुछ होते हैं इसलिए नहीं बोलते। बट ऐसा नहीं कि उन बच्चों में टैलेंट नहीं होता है, टैलेंट होता है और उनको भी ऊपर आना चाहिए, और वैसा ही ये काम करता है, वैसे बच्चों को भी ऊपर लाता है। कैसे? तो जैसे हैंड रेज करके बोलते हैं, इसमें क्या है कि जो क्लिकर डिवाइस है, क्वेश्चन जो रेज हुआ वो वहां से क्लिक करके 100% बच्चे इन्वॉल्व अपना दिखा सकते हैं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बता सकते हैं। अब ये टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है कि टीचर जो क्लासरूम में है वो क्वेश्चंस आंसर्स ऑप्शंस वो ऐसे फिंगर टिप पे, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है, जो भी इसमें प्रॉम्प्ट देगा, जो भी इसमें डालेगा, तो मुझे फोर्स एंड फ्रिक्शंस का क्लास 10th के लिए हमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स चाहिए, इस तरीके से जो भी चाहिए ये जनरेट इंस्टेंट करके दे देगा आपको, 10 सेकंड में 20 सेकंड में जनरेट करके देगा। ये कहने के लिए नहीं, अभी करके दिखाएंगे, सॉफ्टवेयर इंटरफेस को खोलेंगे तो आप देखिएगा। इसमें क्या, टीचर उसका असेसमेंट कर लेते हैं अपने बच्चों का, कि हमारे बच्चे क्लासरूम में अगर 40-50 का स्ट्रेंथ है तो किन बच्चों ने क्या क्या ऑप्शंस दिया है, और रेगुलर वो टेस्ट अगर चल रहा है उस हिसाब से, क्योंकि इस पे लेना कंडक्ट करना बहुत ही आसान है, तो उनका परफॉर्मेंस क्या है, कैसा जा रहा है, कौन बच्चे किस सेक्शंस में अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद आता है पेरेंट्स, पेरेंट्स को एक इसमें हम लोग इंटरफेस देते हैं, सॉफ्टवेयर देते हैं जो पेरेंट्स के मोबाइल में होता है, वो अपने बच्चे का परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा मेरा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, कौन से टीचर्स के साथ अच्छा जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट में जा रहा है, कहाँ अच्छा नहीं कर रहा है, वो उस हिसाब से फीडबैक टीचर्स को और प्रिंसिपल के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आता है एडमिन, एडमिन मतलब ये सारा इंटीग्रेटेड करते हुए जितने भी क्लासरूम में अगर एक स्कूल की बात किया जाए और जितने भी बच्चे हैं, सेक्शंस हैं, सबका एक रिपोर्ट अगर बनाना हो और प्रिंसिपल को भी पता हो, टीचर को भी पता हो, पेरेंट्स को भी पता हो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अगर एक बच्चे का परफॉर्मेंस पैरामीटर बनाना है, अगर एक अलग टीम भी बताएं, तब भी मिनिमम 7 days लग जाता है। इसमें क्या है, रियल टाइम अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं और वो रियल टाइम उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बनता है। साथ ही साथ जो हमारा इसमें एआई है, वो एआई आपको उसका रिपोर्ट बना के देता है कि कहाँ पे स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस सेक्शंस में जरूरत है। ये हमारा एक ऐसा इकोसिस्टम उसमें देते हैं जिसमें एक टीचर के पास इंटरफेस होता है, लॉगिन होता है, एक स्टूडेंट का लॉगिन होता है, एक एडमिन का होता है और पेरेंट्स का होता है, और ये सारे लोग एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ये तो अभी बातें हो रही है, आगे जब आएंगे प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा।
अब जैसे ये टीचर्स का है, ये एक आपको इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कुछ पिक्चर्स रिलेटेड और ऑप्शंस आएंगे, और स्टूडेंट्स जो है वो आपको जवाब दे रहे हैं, यहाँ पे आंसर्स कर रहे हैं जो भी प्रेजेंट्स हैं, और वो आपको यहाँ पे उस हिसाब से परफॉर्मेंस रिपोर्ट और सारा कुछ बनते जाएगा। और यही चीजें मॉनिटर पेरेंट्स भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल भी कर सकता है, टीचर्स का भी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकता है प्रिंसिपल, ऐसा है। साथ ही साथ इसमें जो है कंटेंट आपको इंटीग्रेटेड कंटेंट भी आपको मिलता है, इसमें एआई बेस्ड कंटेंट भी मिलता है, और ये जो सॉफ्टवेयर है जो इसके साथ हार्डवेयर भी मिलता है वो लाइफ टाइम गारंटी है उसकी। इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, इसमें पावर जो हार्डवेयर आपको देते हैं उसमें अलग से पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर इसके अलावे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के अलावे। इसमें जो है पोल वोट भी कर सकते हैं, वोटिंग की तरह भी। इसमें क्लास किट है, एआई फीचर्स है, और इनसाइट एनालिसिस है, परफॉर्मेंस एनालिसिस जिसको मैंने बताया, ये सब क्या है कैसे आपको रियल टाइम भी दिखाएंगे। गेमिफिकेशंस है, जैसे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस जनरेट हो गया, सारे बच्चे 50 क्विज में लगे हुए हैं, जो भी बच्चा उसमें पहला क्वेश्चन आया, ऑप्शन आया, उसका सही जवाब दिया, वो नेक्स्ट राउंड में चला गया, बाकियों का रिमोट काम करना किट काम करना बंद कर देगा। फिर नेक्स्ट 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 फाइनल राउंड तक कितने लोग पहुंचते हैं उसके लिए टॉप परफॉर्मर को तुरंत ही यहाँ पे सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स भी अर्न करेगा। ये बिल्कुल इंटरेक्टिव बनाता है, 100% बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जो बच्चे नेचुरल क्लास में 100% पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट होने के कारण, साई होने के कारण, जबकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको इंट्रोवर्ट होने के कारण टीचर एक्चुअली जस्टिफाई नहीं कर पाता है, जज नहीं कर पाता है। वैसे बच्चों को भी यहां पे मौका मिलेगा कि वो अपने आप को आगे लेकर के जाएगा, बताएगा कि उसमें भी पोटेंशियल है और कितना पोटेंशियल है, सबकी परफॉर्मेंस, सबकी रिपोर्ट। अगर कुछ फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फिजिक्स जो है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, कौन से सेक्शन में नहीं हो रहा है, ये एआई जनरेट करके पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का देगा एक रिपोर्ट, क्या क्या जरूरत है और कैसे वर्क करना जरूरत है उस पार्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, ये सारा कुछ है। ये जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंटरफेस है जो कि स्टूडेंट के लिए मिलता है, वो घर पे है, अगर वो चाहता है तो वो अपना प्रैक्टिस भी कर सकता है, कुछ भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है उसको एक साथी ट्यूटर मिलेगा, एआई उसको इंटरफेस मिलेगा उसमें, जो कि कुछ भी फॉर एग्जांपल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, कैसे आएगा, ये सारा कुछ एक एग्जांपल मैंने दिया, इस तरीके से कोई भी वो क्वेश्चंस पूछ सकता है और हेल्प वहीं से एआई से ले सकता है। ये AI आप जैसा जानते होंगे कि दूसरी जगह से भी सर्च करके, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये जो इंटरेक्टिव है, ये जो सेशंस आपको मिलेगा, आपको बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप यहाँ से जो टीचर है वो होमवर्क असाइन कर सकता है, टीचर जो है टेस्ट असाइन कर सकता है, क्विजेज दे सकता है, क्विजेज बना सकता है, और उन चीजों को वो एंड टास्क कब है, बच्चे वहां से अटेम्प्ट करेंगे, आएगा उसके हिसाब से परफॉर्मेंस मॉनिटर होगा। ये छोटा सा जो हमारा एक छोटा सा कैरिएबल बैग मिलेगा, और जो एक टीचर्स के लिए होगा और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो हार्डवेयर है वो मिलेगा। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंपैटिबल है विंडोज पे, आईओएस पे, मैक पे और एंड्रॉयड पे। ये जो है विदाउट इंटरनेट आपको काम करेगा, कस्टमाइज कंटेंट प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। और ये अब आते हैं कि ये कंटेंट का तो अभी ऐसे बात किया, कैसे हेल्पफुल है AI। ये सबसे बड़ा एजुकेशन इंडस्ट्री का पेन क्या है, सबसे बड़ा पेन है कि PDF बनाना, उसका कंटेंट, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन जनरेट करना। तो अभी जो है हम लोग वो क्वेश्चंस कैसे जनरेट होगा, कितना फास्ट होगा, ये देखेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये आपको विद इन अ मिनट, कुछ सेकेंड्स में आपको जनरेट करके दे देगा। ये हमारा जो है AI है, जिसमें कि प्ले, क्रिएट, डिस्कवर, बाकी हमारा इसमें, ये हमारा इसके साथ AI है जिसका नाम जिनी है। ये क्लास 9 के लिए पहले से हमने कुछ सेलेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ पे अगर आप टच करते हैं तो ये आपको अभी बच्चे टॉप 10 रैंक कौन से चल रहे हैं वो आएगा, और वो पॉइंट अर्न करते हैं उनको वो दिखाएगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो दिखा रहा है। अगर बात करते हैं
नेक्स्ट टैब इसमें इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसमें प्री डिफाइंड एनसीईआरटी के सारे सिलेबस भी आपको मिलते हैं, बुक्स भी मिलते हैं, फिर जो पहले पास्ट में पेपर्स हुए हैं वो सारे जो भी आप बनाते या करते जाएंगे जनरेट, वो सारा आपका क्वेश्चन बैंक भी तैयार होते जाएगा विद इन अ मिनट। आपने कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया और तुरंत के तुरंत ये बना के दिखाएगा। अभी मैं अब दिखाऊंगा क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर पे आ गया हूँ, बढ़ने रहिए, थोड़ी देर और बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा जब आप इसको देखेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कार्ड है कि कुछ कॉन्सेप्ट कैसे हैं, क्या है उस रिलेटेड, जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट मेन है वो आएगा, वीडियो आएगा, क्लास नोट्स आएगा, ये सारा कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है हम लोग एक क्विज क्विज क्रिएट करके देखते हैं और कैसा होता है ये आ गए हम लोग क्रिएशन पे, तो क्विज कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं और असाइनमेंट्स भी इससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैंक है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन आंसर ही सबसे बड़ा जो प्रैक्टिस कराना, उनको बार बार प्रैक्टिस और फास्ट और अच्छा और इंटरेक्टिव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे को, जिसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मजा नहीं आ रहा, अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो गया और आपने इसके थ्रू अगर उसको मजा आने लगा तो वो बहुत अच्छा करेगा और आएगा इसमें मजा। कैसे आएगा? सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब ये गेमिफिकेशन होता है, वही एजुकेशन जब गेमिफिकेशन, गेम्स में बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है, तो उसको जब गेमिफाई कर देंगे तो बहुत मजा आएगा। अभी बिल्कुल ब्लैंक है, आप कुछ भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्लास का अगर आप बोलते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये तीन चीजें आपको दिख रही है, ये जो है हमारा AI है, AI बोट है। AI में क्या है कि यहां से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, मतलब कुछ भी आप बताइए, कौन सी क्लास का, कौन से टॉपिक का, कौन सा क्वेश्चन चाहिए, MCQ क्वेश्चन होगा या आपको यस नो है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मिक्स्ड है, जो भी आप करना चाहें। साथ ही साथ इसमें आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने चाहिए, लेवल कैसा आपको चाहिए, मीडियम, हार्ड, मिक्स्ड, इजी, ये इस हिसाब से आपको ये जनरेट करके देगा AI बहुत कम समय में। अभी देखिए, अभी बस बहुत आप नजदीक पहुंच गए हैं। तो ये हुआ प्रॉम्प्ट के थ्रू। दूसरा ये है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कोई भी, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, PDF है, तो उसको इसमें PDF है या PPT है, अगर इसमें हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, उस रिलेटेड ये क्वेश्चन सिर्फ PDF टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, जितना भी क्वेश्चन चाहते हैं ऐसे जनरेट करके देगा आपको ऐसे। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन बनाना, सॉल्यूशंस बनाना, ऑप्शंस बनाने, ये कैसे करेगा ये दिखाएंगे। और मैंने बोला था कि ये बहुत ही 20 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, 25 सेकंड्स में बना के देगा। अभी आप सामने देखिएगा बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे कितना जल्दी बना करके दिखाता है। ये तीसरा ऑप्शंस इसमें जो है वो वेब URL, मतलब कोई भी आप वेबसाइट का अगर आप यहां से लिंक डालते हो, उस वेबसाइट रिलेटेड कोई भी अगर एजुकेशनल रिलेटेड वो वेबसाइट का लिंक है, या चाहे वो यूट्यूब का लिंक हो, चाहे वो ब्राउजर बेस्ड लिंक हो, वेबसाइट हो, अगर आप यहाँ पे डालते हैं, फिर अगेन आप उसको वैसी कमांड देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस कितने चाहिए, किस कैसा लेवल होना चाहिए, ये जनरेट करके तुरंत देगा। अभी करके दिखाएंगे, अभी आप टाइम देखिएगा कितना टाइम लगता है इसको करने में। दूसरा यहाँ पे ये है, आप एक्सेल फॉर्मेट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उससे भी आप डायरेक्ट एक्सेल फॉर्मेट में जो आपका कॉन्टेंट है आप उसको भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे उसका टेम्पलेट का दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके उसी टेम्पलेट में आप क्वेश्चन आंसर को डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, यहाँ से वो काम करता है। अभी आपको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये प्रॉम्प्ट से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा मैं पहले बोल रहा था, फोर्स एंड फ्रिक्शन, अभी अगर आपको कुछ और देना है तो कोई और भी टॉपिक दे सकते हैं। हमारे सामने मैडम बैठी, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन बताइए जो इसमें करना है, कोई भी रैंडम। माइक्रो कंट्रोलर, इन्होंने बोला माइक्रो कंट्रोलर, अगर माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड हमको क्वेश्चंस या अटेम्प्ट हमें करना है और वो चीजें चाहिए, तो हमने ये MCQ लिया, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मैं अभी 5 जितना भी आप करना चाहें, मैंने ये 10 कर दिया, ठीक है। लेवल इजी, मीडियम, हार्ड, मैंने इजी अभी ले लिया और ये जनरेट कर दिया। अभी आप घड़ी देखिए, टाइम देखिए कि ये 10 क्वेश्चन जनरेट होने में कितना टाइम लग रहा है।
आपने देखा बहुत ही कम समय में ये आपको जनरेट करके दे दिया। जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हम लेते हैं यहाँ पे, विच आर्किटेक्चर इज यूज ऑफन यूज इन माइक्रो कंट्रोलर, ये आ गया, इसके ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ऑप्शंस भी बन गए, इसका आंसर भी दिखा रहा है कि सी है, ठीक है। तो ये अभी जनरेट हुआ है टीचर्स के लिए, सारे क्वेश्चंस जनरेट हो गए, ऐसा नहीं कि सबका ऑप्शंस, मैं आपको दिखाने के लिए, नहीं तो यहां से सेव करेंगे और जैसी जनरेट हुआ वो सेव हो जाएगा, वो बच्चों के लिए क्विज में तुरंत चला जाएगा। अगर यहाँ पे इस रिलेटेड कुछ इमेज डालना है तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूं, इस रिलेटेड हमारे पास इमेजेस आ गए, कुछ भी अगर इसमें से हमें माइक्रो कंट्रोलर अगर उठाना है या चीजें, आपको जो इमेज रेलेवेंट लग रहा है आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको पिक कर सकते हैं और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको डन करूं, यहाँ पे आ गया, जैसे हो गया, अब इसको जो है हमने यहां से सेव कर दिया। बाकी क्वेश्चंस थे मैंने नहीं दिखाया, आप दिखा भी सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि जो पहला हमने दिखाया कि क्वेश्चंस कैसे आया, ग्रेड पे गए थे, क्विज पे गए, यहां पे हमने एक मैन्युअली क्वेश्चंस डाला और उससे वो जनरेट करके हमारा दिया। दूसरा अगर मैं यहां पे जा रहा हूं प्रॉम्प्ट डाल करके तो हमने किया, अब यहां पे कुछ हम डॉक्यूमेंट उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो भी अगर पड़ा हुआ है आपके, मैं यहाँ पे पेन ड्राइव लगाया हूँ इसमें, तो यहाँ पे एक मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड, अभी तो वो नॉर्मल स्कूल रिलेटेड, तो ये डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का मैं एक था पीडीएफ, डाटा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, और यहां से मैं ये जनरेट कर देता हूँ। ये पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है ये पीडीएफ, एक क्वेश्चंस के लिए था इसलिए एक क्वेश्चंस जनरेट किया, अभी मैं अगेन आपको जनरेट करके दिखाता हूं। अब जैसे विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल्स, इसके बारे में तो स्टैक या क्यू ट्री लिंक, ये सारे ऑप्शंस भी आ गए और उसको बता भी रहा है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। यहां से सेव करते हैं तो वो सेव हो जाता है। अगर इसमें फिर से मैं बैक जाता हूं, यहां से इजी करना है, टाइम कितना डालना है, एमसीक्यू होगा, यहां पे ये आ रहा है जो मैं बता रहा था कि बाय डिफॉल्ट दे रहा था, यहां से आप टाइम 10 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेबल चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन जब वो जनरेट कर रहा है। फिर से हम लोग इस पे ये चले जाते हैं बैक में, क्विज पे आ गए, हमारे यहाँ पे एआई जो है इस एआई में गए, डॉक्यूमेंट पे गए और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो वन था यहां पे हमने 10 कर दिया, और भी मैं कर देता हूं, ये जो है 35 क्वेश्चंस मैंने कर दिया, ठीक है, इजी लेवल से। अब माई डॉक्यूमेंट पे गया, मैं इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया, ये डॉक्यूमेंट मैं एक्चुअली अभी आपको दिखाऊंगा भी वो भी कि कैसा है वो पीडीएफ। अब ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हमारे जनरेट हो रहे हैं और कितना टाइम कम लगता है, ये तुरंत के तुरंत आपको जनरेट हो जाएगा। और सारे क्वेश्चंस को मैं क्लिक करके दिखाऊंगा, वहां पे वो प्रोसेसिंग हो रही है, ये सारा क्वेश्चंस मेरा बन गया, 35 क्वेश्चंस, कितना टाइम लगा ये काम होगा। तो सारे बच्चे, जब आपके पास वो क्लिकर डिवाइस होगा सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे। और अगर इसी को क्विज के फॉर्म में गेमीफाई थोड़ा सा कर दें, और भी गेमीफाई का फॉर्मेट है बट नॉर्मली एक गेमीफाई की, जो जो बच्चे इसमें बताते जाएंगे ऑप्शंस, जिनका करेक्ट होगा वो आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस में और बाकियों का क्लिकर काम करना बंद कर देगा, जिनका जिनका आंसर्स सही नहीं है, और वो एंड तक जो जाएगा वो विनर होगा और उनको एक सर्टिफिकेट भी यहां से इशू होगा और वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कितना मजा आएगा। सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे, सारे बच्चे को ऑप्शंस में, उनके रिमोट में बहुत अलग अलग ऑप्शंस है, एक वीडियो में ये सारा कुछ करना बहुत ही पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल हार्डवेयर भी मैं लेकर के आपको दिखाऊंगा कैसे ऑप्शन है और क्या काम कर रहा है। तो ये आज तो मेरा था कि कैसे आपको क्वेश्चंस को ये बना रहा है, जैसे आप देख रहे हैं रैंडम, ये सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम रिलेटेड ये चल रहा है। तो अब जो है, अब इसमें एक लोकलाइज है और पॉलिश्ड है, अगर मैं इसको ऐसे पॉलिश्ड कर देता हूं तो ये क्वेश्चंस को ना, ये टाइप है ये ना थोड़ा सा और भी अलग कर देगा, ये पॉलिश टाइप के क्वेश्चंस जो भी चाहिए ये लेकर के आ जाएगा। जैसे कि आफ्टर द सीरीज ऑफ द ऑपरेशन डिस्क्राइब व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द फ्रंट ऑफ द सर्कुलर क्यू, यहां पे इमेज अगर मुझे डालना है, अगर इमेज पे मैंने ऐसे क्लिक किया तो यहां से मैं अपलोड कर सकता हूँ, इतने सारा फॉर्मेट है जिसे मुझे
इमेज में वहां पे ऐड कर सकता हूं। हमने पहले कमांड दिया था, दूसरा हमारा जो डॉक्यूमेंट था, और मैंने बोला था ये आपको पीडीएफ में दिखाऊंगा भी कि कैसा है, जो बना रहा था डाटा स्ट्रक्चर वाला पेन ड्राइव का था, पहले तो मैं उसको आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैं गया और ये था डाटा स्ट्रक्चर, ये है जो कि नॉर्मली मैं अभी इंटरनेट से ऐसे डाउनलोड किया था डाटा स्ट्रक्चर, और इससे ये जो नीचे चैप्टर है ये सारा कुछ, इससे क्वेश्चंस, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है, और इससे वो क्वेश्चंस जनरेट करके आस्क किया था। लेबल इजी रखा था इसलिए इजी क्वेश्चन था, हार्ड मीडियम और मिक्स भी, ये सारे तरह के क्वेश्चंस आपको इससे पूछ सकता है, आ जाएगा जैसा भी हम चाहें जनरेट करना। और साथ ही साथ इसको मैंने जब सेव किया तो सारे उसमें सेव भी हो जाएंगे, ये जनरेट भी हो जाएंगे नॉर्मली। अब यहाँ गो टू माय सेट्स, उस सेट्स में जाकर के बाद में अगर कराना है तो वो कर लेना है, प्ले करना है तो प्ले। इस तरीके से टीचर्स जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को वो जनरेट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे गो टू माय सेट्स में चला गया, यहाँ पे आपको अब दिख रहा है अलग अलग जो है जो भी पहले जनरेट हुए हैं वो आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स के सेट्स जो जनरेट हुए, चैप्टर सेट्स है, जीके सेट्स है, जैसे जैसे जो आप करते जाएंगे, वोटिंग पोल वाला है, क्विज वाला है, और बाकी रिसेंटली जो अभी चल रहा है वो सारा कुछ है। तो अब आ गए यहाँ पे, फिर से हम क्रिएट करते हैं, पेज पे आ गए यहाँ। अब हमारा था वेब यूआरएल, नेक्स्ट उसमें है कि यूआरएल से जो करने के लिए वो कैसे करेगा। तो अभी हम लोग जाते हैं अब जिनी पे, अपने एआई पे, और ये है वेब यूआरएल। अब वेब यूआरएल में आप या तो यूट्यूब का लिंक डालिए या आप कोई भी ब्राउजर का लिंक डालिए एजुकेशन रिलेटेड, वो काम करेगा। और कितना जल्दी, जैसे जितना जल्दी आपको बता रहा था कि अब वो काम हो रहा है, तो आप बिल्कुल टाइम जब जनरेट कर रहे हैं वो देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, और हर बार आपको अलग ये क्वेश्चंस देगा। क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से उसमें किस तरह का, किस टर्म्स का, आप जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास कोई यूआरएल नहीं है, तो मैं यहाँ पे गया अपने यूआरएल पे, यहाँ पे जा करके मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, मान लीजिए YouTube पे आया। अब जैसे यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा है, ये मैं इसको क्लिक कर देता हूँ आपके सामने, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है, और इसका जो है लिंक मैं उठा लेता हूँ, ये लिंक मैंने कॉपी किया और फिर मैं यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया, और अभी मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे क्विज पे गया, यहाँ पे था, या टाइम देखिए, यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट किया, और क्वेश्चन हमें चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, या इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स या मिक्स्ड हमने डाल दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 20 कर दिया, जी मीडियम मैंने कर दिया क्वेश्चंस का लेबल, और जनरेट कर दिया। ये अभी आपके सामने जनरेट हो रहा है, आप टाइम देखिए कि कितने टाइम में ये जनरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। तो ये जो है, जैसे जो क्वेश्चंस बनाना था, लोगों को इंटरेक्ट कराना है किसी भी रिलेटेड, अभी आप ये देखिए ये सारा कुछ आ गया, 20 क्वेश्चंस का रखा था मैंने वहां पे, जो था प्रॉफिट एंड लॉस का, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस आ गया कि जॉन परचेज अ टीवी दिस मच अमाउंट एंड सोल्ड इट फॉर द दिस मच अमाउंट, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन फिर ऐसे में आ गया, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज एन आइटम इज दिस मच एंड द सेलिंग प्राइस इज दिस मच, द प्रॉफिट इज कितना होगा, वहां पे फिल करना है, इसमें से ऑप्शंस भी आ रहा है, यहाँ पे ऐसे जनरेट भी कर सकते हैं। और ये जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, साथ ही साथ ये लैंग्वेज भी हम लोग अगर चाहते हैं कि ये अगर इंग्लिश में है हिंदी में करें या और कोई हमारा रीजनल लैंग्वेज में, उसमें भी ये करता है, उसमें भी ये क्वेश्चंस हमारा जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम लोग जाते हैं और कुछ भी एक टॉपिक लिखते हैं, जब ये नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये और नेक्स्ट मैंने फोर्स रिलेटेड किया, अब आप ये देखेंगे ये क्वेश्चंस यहाँ पे तुरंत जनरेट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज इन मेजर फोर्स,
तुरंत के तुरंत बीच में भी, जैसे भी, जो भी, जिस भी टॉपिक का आप चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं. व्हाट इज द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रहा है, सॉल्यूशंस भी आ रहा है. इसमें इस तरीके से और भी चीज है. आप इस वीडियो में बने रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए. आगे इससे भी बहुत बढ़िया चीज लाने वाला हूं. अभी तो सिर्फ क्वेश्चन जनरेशन का दिखाया है, जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कैसे टीचर्स के लिए ये हेल्पफुल है, कैसा रिपोर्ट वो देख पाएगा, कैसा प्रिंसिपल रिपोर्ट देख पाएगा, कैसा स्टूडेंट का इंटरफेस होगा, कैसा टीचर का इंटरफेस होगा, कैसे एक दूसरे का परफॉर्मेंस मॉनिटर कर पाएंगे, कैसे ये AI जो है किसी भी बच्चे का एक रिपोर्ट बना के देखा गया कि किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे आप उसको कर सकते हैं. बहुत ही बढ़िया होने वाला है. और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे और बात करेंगे जब आप आगे के हमारे वीडियोज में. और आगे के वीडियोज में जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा. और ये टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, चाहे आप जनरल कंपटीशन में, लोग क्या करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस होता है, रोज जाना है, रोज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. इसमें फास्ट करेगा, इंटरैक्टिव होगा, बहुत मजा आएगा. गेमिफाई करके करेगा तो वो और भी मजा आएगा. स्कूल्स क्या, स्कूल्स रिलेटेड इसमें कोर्सेस और कंटेंट भी है, जैसे कि मैंने ये दिखाया था आपको यहाँ पे, ये क्लासेस देखिए. और पर डे आपको इसमें कंटेंट जो है, एक तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, स्टैंडर्ड है, जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, एनसीईआरटी के बुक्स भी हैं, पास्ट पेपर्स भी हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये पास्ट पेपर्स भी हैं और एक कॉन्सेप्ट कार्ड भी है. अगर किसी को एक जैसे कॉन्सेप्ट कार्ड देखना है तो इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ का रेशनल इरेशनल नंबर, जो भी क्लास और स्टैंडर्ड सेलेक्ट था उसके हिसाब से ये जो है कुछ उसके टिप्स आ गए. द सम ऑफ द डिफरेंस एंड द रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज इरेशनल. तो इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पे आपको दिखता है और है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे. जैसे कि यहाँ पे अगर हमने टच किया, ये रोल कॉल क्या है, बच्चों का अटेंडेंस भी यहाँ से कैसे मैनेज हो सकता है, ये जो बेल है, ये बेल अलर्ट करने के लिए, क्लास में साउंड अगर बीच में बच्चे हल्ला कर रहे हैं या कोई बच्चा अच्छा किया तो वो क्लैपिंग कैसे इसी से होगा, जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा जा रहा है, वो सारा कुछ यहीं से है. ये अगर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये चीजें क्वेश्चंस भी आ गया, टाइमर भी चलने लगा, बाकी चीजें. अगर यहाँ पे टीचर्स को कुछ बताना है तो यहाँ से ये ऐसे करेगा और जो भी पेन का कलर लेना चाहता है वो लेकर के यहाँ पे रियल टाइम डिस्कशन भी कर सकता है और चीजें. तो ये भी इंटरफेस मिलते हैं. ऐसे बहुत सारे और भी इंटरफेस हैं, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे. आई होप सो कि ये बहुत मजा आया होगा. ये तो शुरुआत है, आगे देखिए बहुत ही बढ़िया है. आपको अपने यहाँ स्टाफ नहीं रखना है, आपको टीम नहीं बनानी है, आपको क्वेश्चंस नए नए AI बेस्ड, आपके PDF बेस्ड है, आपके YouTube वीडियोज कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, किसी का भी वीडियोज आप सेलेक्ट कीजिए, वहां से ये क्वेश्चंस बना करके दे देता है. आप अगर खुद से भी कोई टॉपिक इसको असाइन करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये जनरेट करके दे देता है. ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है, और भी रीजनल लैंग्वेज में आपको इसमें मिलता है. और बाकी कैसे काम करता है ये डिटेल्स में हम लोग आगे बात करेंगे. थैंक यू.